सुबह सुबह ये अच्छा है, नाश्ता मैं बनाऊं और खाए ये एक ही डोसा बनाऊंगी बस, बाकी तो अपने लिए बनाऊंगी। मुझे तो लगता है ये डोसे का तवा भी नहीं है, ये पता नहीं कैसा डोसा बना रही हूँ मैं भी। इतना बेकार डोसा बना है, बोल दूंगी तवा ही खराब था। खा लेगी, खाने से मतलब है क्या, देखेगी अच्छा बना है नहीं बना। रोटी भी चार पांच खा जाती है, चाहे वो टेढ़ी हो या जैसी भी हो। चलो कलर तो अच्छा आया है, पराठा लग रहा है, डोसा तो कम ही लग रहा है। पक तो गया ही है, दे देती हूँ, बोलूँगी एक एक ही डोसा है, कम खाओ बहुत मोटी हो रही हो। चटनी भी कम ही देती हूँ, अच्छा सांभर नहीं बनाया वरना लंच में तो हो ही नहीं पाता। ये लो दीदी नाश्ता। नाश्ता आप लाई हो, आपको बताया ना मैं जिम करने लगी हूँ। पता नहीं मेरे लिए कर रही हो जैसे। ये क्या है पराठा? पराठा कहाँ से दिख रहा है, डोसा है, चटनी नहीं दिख रही आपको? डोसा? एक तो सुबह सुबह 5 बजे उठ के मैं आपके लिए नाश्ता रेडी करती हूँ और ऊपर से फिर आप ये सब बोलते हो। 5 बजे की उठ के रेडी करती हूँ मैं, कभी स्कूल जाती हूँ और ये कैसा डोसा है? कैसा क्या, ऐसे ही बनता है। वो जो इसका पैन था वो खराब हो गया था तो मैंने पता नहीं किसमें रोटी वाले पैन में बना दिया। आप खाओ, मुझे भी भूख लगी, मैं भी खाऊंगी, फिर वो उठेंगे उनको भी दूंगी। मेरा तो सारा दिन ही खाने में निकल जाता है। पर ये तो कच्चा लग रहा है मुझे। नहीं नहीं पका हुआ है, खा लो। मेरे तो खाने का मन नहीं कर रहा, पर जिम जाके आई हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है, क्या करें। टेस्टी है लेकिन कच्चा क्यों है? वाह वाह वाह, मेरा तो इतना अच्छा लग रहा है देखने में, अब अपना आकर देखेगी तो हैरानी हो जाएगी। बोल दूंगी कभी अच्छा बनता है और कभी बुरा बनता है। इसको पकने में टाइम है, तब तक चाय बना लेती हूँ। वाह यार मेरा डोसा तो बहुत ही अच्छा बना है, चुपचाप जाके रूम में खाऊंगी। अगर इन्होंने देख लिया ना ये डोसा तो इस पर भी नाक मारेंगी अपनी। वाह कितना परफेक्ट बना है। वैसे खाना तो मैं बहुत ही अच्छा बनाती हूँ, चटनी भी बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ। यार ऐसे क्या कर रही हूँ, पूरी ले लेती हूँ ना, आराम से खाऊंगी। वैसे ही 5 बजे की उठी हूँ। भाभी एक और। अरे भाभी कहाँ गई? लगता है रूम में चली गई अपना लेके चुप चुप खाने के लिए, और वैसे भी मुझे एक दिया है, अभी जाके देखती हूँ। चलो अब खा लेती हूँ, वैसे भी इतनी गर्मी है, रूम बंद कर लिया है, आराम से खाऊंगी। हाथ धो लेती हूँ पहले। खाना यहाँ छोड़ के कहाँ गई है? ओहो डोसा तो देखो कितना पतला है, और कह रही थी परफेक्ट डोसा ही नहीं बनता, मुझे कितना मोटा कच्चा सा डोसा खिला दिया, और खुद देखो। और चटनी, 4 डोसों की चटनी लेके एक साथ बैठी है, कहाँ गई इनको अभी बताती हूँ, वॉशरूम में होंगी शायद। तब तक मैं आधा खा लेती हूँ और आधा ही रखती हूँ, बोलूँगी ऐसे ही होता है, पड़ी आई। कच्चा खिलाती है मुझे। ये वाला ज़्यादा टेस्टी और पका भी है। हे भगवान कितनी गर्... दीदी आप क्या कर रहे हो? मेरा डोसा, आप कैसे खा रही मेरा डोसा, इतना ही बचा है? ऐसा ही होता है, खा लेते हैं अगर छोड़ के चले जाओ तो। और एक बात बताओ, ये पतला कैसे है और मेरा वाला मोटा कैसे था, और इतना कच्चा मैंने कैसे खाया? मेरे पेट में दर्द होगा ना, मम्मी को फोन कर दूंगी। अरे ये भी कच्चा ही है, ये तो मैंने ओवर कुक कर लिया क्योंकि मैं वॉशरूम चली गई थी, फिर मैं आई, मेरा थोड़ा पेट खराब है ना इसलिए। पेट खराब है तो मत खाओ ना, क्या कर रहे हो, मत खाओ, मैं खा लेती हूँ। अरे लेकिन नहीं नहीं पेट खराब मैं ये नहीं खाती, मैं आपको हाफ कप चाय उसमें हाफ कप पानी मिला के देती हूँ, एक साथ पी जाओ, आपके लूज मोशन बंद हो जाएंगे। मैं अभी बना के लाई, इसको फटाफट खा के, ठीक है? आप वेट करो। लेकिन मेरा डोसा यार, मुझे इसको यही अच्छा डोसा देना चाहिए था, कम से कम वो कच्चा वाला तो मुझे मिलता। इसीलिए बोलते हैं कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो और भी बुरी हो गई है। यार किचन में कुछ खाने का है भी या नहीं, बहुत भूख लग रही है। मना किया ना किचन में आने के लिए, आपको लूज मोशन हो रहे हैं, आगे मेरे से कुछ खाने के लिए। नहीं मैं तो साफ सफाई के लिए आई थी बस। साफ सफाई छोड़ो, वो मैं कर लूंगी। ये लो आप केला खाओ, ताकि आपके लूज मोशन तो बंद हो, फिर काम करना शाम का, कहीं सोती रहो पूरा दिन इसी का बहाना करके। जाओ अभी का मैं कर लूंगी बचा कुचा। बचा ही कितना है नीतू, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। फूल? केला? तुम कब से केला खाने लगी? तुम्हारी बहन ने दिया है। बहन ने? लेकिन क्यों? अरे यार पता है क्या किया मैंने, बस उनको ये लग रहा मेरा पेट खराब है इसलिए मेरा डोसा भी खा गई। अच्छा अच्छा, कहीं सच में तो पेट खराब नहीं है ना? नहीं नहीं, अब भूख लग रही, क्या खाओ। और ये मुरझाए से फूल क्यों लेकर आए मेरे लिए? ये थोड़े सस्ते मिल गए मेरे को। अरे सस्ते के चक्कर में कौन मुरझाए फूल लेकर आता है, ये अच्छे नहीं होते घर में लाना, फेंक करो इन्हें बाहर। तुम फीलिंग्स देखो ना। कोई फीलिंग्स नहीं है, मुरझाए हुए फूल लेकर आ रहे हो, बहुत ही पागल हो तुम, दिमाग से अपनी बहन की तरह आओ। बिल्कुल दोनों भाई बहन बिल्कुल सेम है, हमेशा मुझे तंग करते रहते हैं, इसीलिए आई थी मैं इस घर में। हाँ इसमें मेरी गलती।